गुलबर्गा शहर में बीजेपी की जानिब से रॉडी शीडर प्रदीप कुमार भावे को नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर बनाया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट शरण आईडी ने नाराजगी जाहिर की है। गुलबर्गा में 3 लोगों को बीजेपी के जरिए एज ए कॉर्पोरेटर नॉमिनेट किया गया है, जिसमें से एक नाम प्रदीप कुमार भावे का है जो रॉडी शीडर 7 स्टार प्रदीप के नाम से फेमस है। शरण आईडी ने प्रेस मीट कर कहा बीजेपी कर्नाटका स्टेट को रॉडी स्टेट बनाना चाहती है। शरण आईडी ने कहा गुलबर्गा साउथ एमएलए अप्पू गौड़ा और बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट के आदेश पर रॉडी 7 स्टार प्रदीप को कॉर्पोरेटर नॉमिनेट किया गया है। 7 स्टार प्रदीप कुमार भावे नामी रॉडी शीटर जिसके नाम पर 22 केसेस बुक हैं उसको बीजेपी ने कॉर्पोरेटर नॉमिनेट किया है। बीजेपी रामराज की बात करते हुए रॉडी राज की तरफ चल रही है। बीजेपी एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों को छोड़ रॉडीज को कॉर्पोरेटर नॉमिनेट कर रही है। गुलबर्गा डीसीपी अदूर श्रीनिवासुल ने इस इशू पर मीडिया से बात कर 7 स्टार प्रदीप के नाम पर हुए 22 केसेस का खुलासा किया है। शरण आईडी ने सीएम मुंबई और एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड कर कहा है किसी भी रॉडीज को इस तरह कॉर्पोरेटर नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिन ओपन बेड एसी एंड नॉन एसी लॉज वाईफाई कनेक्शन फैसिलिटी सेपरेट लॉकर 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर डिलक्स स्टे एंड मच मोर एड्रेस सुपरमार्केट अपोजिट चेतन स्कूल गुलबर्गा। मैं शरण आईटी आज का दिन कलबुर्गी में बीजेपी पार्टी वाले क्या कर रहे बोले तो कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर नॉमिनेट करने जा रहे। वो नॉमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से होता ये देखिए आप, ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से डीसी को आया सो है। क्या बोल के ये लेटर आया बोले तो ये 3 जने को हम नॉमिनेट करने के लिए आपको लेटर भेजे सो है। इसमें 3 पॉइंट्स है। उसमें एक पॉइंट क्या है बोले तो उन्होंने कलबुर्गी की रहने वाले रहना और एक उन्होंने सोशल एक्टिविटी करना बोल के, नहीं तो उनको पौराडलित में एक्सपीरियंस होना बोल के। ये मानदंड बोले तो ये कंडीशंस फुलफिल होता क्या नहीं देख के रिपोर्ट करो बोल के डीसी को लेटर दिए। कौन? सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से। उनको सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को कौन सिफारिश किए बोले तो हमारे लोकल कलबुर्गी के बीजेपी का लोकल एमएलए और बीजेपी का सिटी का प्रेसिडेंट है ना, ये लोग मिल के सिफारस किए सो है। उसमें ये 3 नाम सिफारस किए हैं, तीनों में 3rd नाम है क्या बोले तो प्रदीप कुमार बोल के। प्रदीप कुमार एक रउडी शीटर है, उनके ऊपर 22 केस है, टोटल 22 केस है उनके ऊपर। हाँ, रउडी शीटर है ऑलरेडी। हाँ, ऐसे लोग को आप बीजेपी वाले लोकल एमएलए और पार्टी के प्रेसिडेंट मिल के आप नॉमिनेट के लिए सिफारिश करते और वो लेटर कॉरपोरेशन तक आता वेरीफाई होके जाता बोले तो आप क्या करने जा रहे। हाँ, 20 दिन 1 महीने से सभी मीडिया वाले बम मारे क्या बोले तो रउडी सीटर्स बीजेपी में शामिल हो रहे। 2023 इलेक्शन में रउडी को लेके इलेक्शन करने वाले बीजेपी वाले उन्होंने अभी एक बार सत्ता हासिल करना कर्नाटक में, उसके लिए बसवराज बोम्मई सीएम क्या कर रहे सबको ज्वाइन करा ले रहे। बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील और प्रधान कार्यदर्शी संगठन एन रविकुमार ये सभी मिलके क्या कर रहे बोले तो रउडी सेल बोले तो कैसे यूथ सेल रहता, ओबीसी सेल रहता पार्टी में, महिला का सेल रहता ना, वैसे रउडी सेल चालू कर रहे। बेंगलुरु से चालू हुआ स्टेट वाले बीजेपी में बोल के कई 20-25 दिन से मीडिया में आ रहा और वो कंटिन्यूएशन हो के आज सभी जिले में रउडी शीटर को लेके पार्टी ज्वाइन करा रहे और पार्टी को मजबूत करने का सोच रहे। ये मेरा आरोप है सीधा सीधा बीजेपी स्टेट टीम के ऊपर कि आप रउडी को लेके पार्टी चलाने वाले हैं, रउडी को लेके सरकार बनाने वाले हैं। क्यों बोले तो कई बड़े बड़े नेता इंडिया में और कर्नाटक में पहले से बोलते आए सो है हम राम राज्या, हम सत्ता पकड़े तो बीजेपी वाले राम राज्य बनाएंगे बोल के। आज क्या करने जा रहे कर्नाटक में आप रउडी राज्य बनाना जा रहे। बोम्मई जी
हम मुख्यमंत्री जी आपको निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सोचिए, जागिए। ये रौड़ी का काम कर रहे हैं ना, ये बहुत थ्रेट है सोसाइटी को। क्यों बोले तो आगे हम लोग सरकार पढ़े लिखे सो डबल ग्रेजुएट लोग कैसे पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ, सभी पार्टी में सज्जन लोग रहे तो, सज्जन लोग पॉलिटिक्स किए तो समाज सुधार सकते, देश को सुधार सकते और एक अच्छा गवर्नेंस दे सकते। वो छोड़ के रौड़ी का हम शिष्टाचार आप चालू किए बोले तो कैसे एक्सपेक्टेशन करते पब्लिक आपसे गवर्नेंस के बारे में। ये बहुत सीधा सीधा गलत काम है। लोकल एमएलए भी जवाबदार है, लोकल पार्टी प्रेसिडेंट भी जवाबदार है, हम खंडन करते। आप इतना होने के बाद भी आप नॉमिनेट हो बोल के अनाउंस करके नोटिफाई किए तो हम रोड पे आके धरना करेंगे और आपको मुट्ठी के डालेंगे बोल के सीएम बोम्मई जी को और नलिन कुमार कटिल बीजेपी प्रेसिडेंट को हम बताना चाहते हैं। और हम रौडी राज होने नहीं देंगे, एक एजुकेटेड राज्य होने में हमारा कामयाब देंगे और हम इसको सफल करेंगे बोल के बोलना चाहता हूँ। जय हिंद।